नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जहां कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया में पूरे स्टॉक मार्केट्स में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ से एफआईज निकल रहे हैं, माल बेचा जा रहा है और लोगों में इतनी दहशत है कि पता नहीं बाजार का क्या होगा, आने वाले समय में क्या होने वाला है। दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है, ऐसी कौन से शेयर्स हैं जिनमें से एफआईज निकल गए। एफआईज की बात कर रहा हूं मैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स की। जी हाँ, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो बड़ी तादाद में पैसा लेके आते हैं, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में करते हैं और हमारी कंट्री में भी करते हैं। अगर हमारी कंट्री में एफआईज बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी की वजह से बाजार में तेजी आती है, तो एफआईज के निकलने से बाजार में गिरावट भी आती है, जिसको मंदी कहते हैं। तो ऐसी सूरत हालात में अगर आप ऐसे शेयर्स में फंस गए हैं जहां से एफआईज निकल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे शेयर्स की बात करने वाला हूं जिन शेयर्स में से जनवरी से लेके मार्च तक इस क्वार्टर में एफआईज निकले हैं, और कुछ ऐसे शेयर्स की बात भी करने वाला हूं जिन शेयर्स में एफआईज ने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एफआईज का इंटरेस्ट कौन से शेयर्स में से निकल के कौन से शेयर्स में शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही छोटी है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले हम ये डेटा देख लेते हैं कि बीते दिनों में एफआईज ने कितनी पोजीशन से एग्जिट किया, कितना माल बेचा। चलिए चलते हैं एक बहुत ही फेमस वेबसाइट के ऊपर में जो मनी कंट्रोल की है, जो आप गूगल पे अगर आप टाइप करेंगे एफआईडीआई डेटा तो आपके सामने वो स्क्रीन सामने आ जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिले टाइम पे। या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, देखिए निफ्टी क्रैश की वीडियो जिसमें हमने पहले ही प्रेडिक्शंस की थी, वो वीडियो है कि निफ्टी क्रैश होने वाली है, कहां तक जाएगी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले हम चलते हैं एफआईडीआई डेटा को हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल में हुआ क्या है। दोस्तों, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, जनवरी 2020 की शुरुआत कैसी हुई। 5,360 करोड़ के आसपास का एफआईज ने माल बेचा। फरवरी महीने में 12,684 करोड़ का, मार्च के महीने में 65,816 करोड़ का माल बेचा, और अप्रैल के महीने में भी 5,208 करोड़ की सेलिंग हुई है। और इस महीने की अगर बात की जाए तो इस महीने में भी एफआईएस तो माल बेच ही रहे हैं 24 करोड़ के आसपास में, डीआईआईएस भी बेच रहे हैं। मतलब जहां पिछले दिनों में डीआईएस माल प्लस कर रहे थे, अब सेंटिमेंट ऐसा होने लगा है कि डीआईएस भी अपना माल बेचने लगे हैं। इसकी वजह से बाजार में जो संभावना है बाजार के खराब होने की और भी बढ़ जाती है। चलिए हम नजर डालते हैं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर में जिसमें से एफआईएस ने पोजीशंस बनाई, और ऐसे स्टॉक्स जिसमें एफआईएस अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें से एफआईएस ने अपनी पोजीशंस घटाई। आईशेयर मोटर में अगर देखा जाए, जो क्वार्टर एंडिंग दिसंबर था उसमें 31.19% 31% की होल्डिंग वो रखते थे, और मार्च एंडिंग क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर था उसमें 27.71% की होल्डिंग उनकी रहेगी। मतलब मोटा मोटा 3.5% की इक्विटी उन्होंने बेच दी। 3.5% बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों। टाटा स्टील में से वो 3% के आसपास बाहर हुए, एक्सिस बैंक में से 3% के आसपास बाहर हुए, आईसीआईसी बैंक में से 2% के आसपास उन्होंने इक्विटी बेची, एलएनटी में से 1.88, महिंद्रा एंड महिंद्रा में से 10% हैवी सेलिंग हुई है शेयर्स में से। दोस्तों, आप समझ लीजिए, अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो आप समझ सकते हैं इन शेयर्स का कितना बुरा हाल हुआ होगा। मन्नापुरम फाइनेंस 4.87%, एम्फेसिस बीएफएल 4.65%, PVR 3.48। दोस्तों, इन स्टॉक से पता लगता होगा कि आपने ऐसे स्टॉक्स जो आपने अगर ले रखे तो इतना बुरा हाल क्यों हुआ। जहां M&M में से 10% तक इक्विटी बेची तो उसका हाल बुरा होना ही था, वहीं ऐसे भी कुछ शेयर है इस दौरान में जहां पे उन्होंने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां उनकी पोजीशंस बढ़ी हैं। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां उनकी पोजीशंस बढ़ी हैं। दोस्तों, सबसे पहला इसमें नाम आता है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, सबसे फेवरेट लोगों का ट्रेडिंग का शेयर है। इसमें 1% के आसपास की इक्विटी बढ़ी। देखिए कितनी इक्विटी उनके पास है, पहले 67.38% इक्विटी हुआ करती थी, अब 68.27% इक्विटी है। जो लोग इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं एफआईएस के साथ रह सकते हैं। फेडरल बैंक एक नाम निकल के आ रहा है जिसमें उन्होंने इक्विटी फिर से बढ़ाई है 0.84% के आसपास। मैक्स इंडिया में 0.76% के आसपास इक्विटी बढ़ी है। पेट्रोनेट एलएनजी 0.70%, एडलवाइज फाइनेंशियल 0.64%, श्याम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 0.40%, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट डॉक्टर रेड्डी 0.11%। दोस्तों, हो सकता है इनमें से आपके कोई फेवरेट शेयर्स हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन शेयर्स को लिस्ट में डालिए, वॉच लिस्ट में इन शेयर्स का होना बहुत जरूरी है। देखिए किन शेयर्स में क्या एक्टिविटी हो रही है, अपने चार्ट पैटर्न्स को देखने की कोशिश कीजिए, अपनी एनालिसिस जो भी आप करते हैं कीजिए, और इन शेयर्स में अपनी पोजीशंस हिसाब से बनाइए और निकलिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि ताकि आपको भी उनकी चाल का पता लगे कि कौन से शेयर्स में से वो एग्जिट हुए, कौन से बाहर हुए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी वीडियोस आगे भी आगे लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।